sorry. It's a good thing. Nobody. Yes. Please. आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपने ऐसा प्रधानमंत्री के साथ लोगों को बोलना है, बहुत होता है। आई एम सॉरी, आपके पार्टी को भी समय दिया गया था, प्लीज बैठिए। नो नो नो, योर पार्टी, योर पार्टी, टू पीपल हैव स्पोकन, हाउ कैन यू से योर पार्टी इज नेगेटेड? आपने बोला, कल्याण बाबू ने बोला, आपने क्या है? कुछ आगे हो जाएगा, प्लीज कृपया बैठ जाए, ऐसा अच्छा नहीं। Please, nothing will go on record like this. I'm sorry. आदरणीय अध्यक्ष महोदया, आपने इस महत्वपूर्ण चर्चा का आरंभ किया और आपने पूरे राष्ट्र के सामने उत्तम विचारों के साथ संविधान का महात्म्य, संविधान की उपयोगिता और संविधान निर्माण के पीछे राष्ट्र के महापुरुषों की जो दीर्घ दृष्टि थी उसको बहुत ही प्रभावक ढंग से प्रस्तुत किया। आपका ये भाषण संसदीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण प्रेरक दस्तावेज बनेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। सदन में भी इस कार्यक्रम में जो रुचि दिखाई गई, सबने एक मत से जो समर्थन किया और अपने अपने तरीके से संविधान के महात्म्य को और उसके प्रति प्रतिबद्धता को जिस प्रकार से चर्चा के द्वारा प्रस्तुत किया, मैं इसके लिए सदन के सभी आदरणीय सदस्यों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। मैं नहीं मानता हूं, कुछ लोगों की ये गलतफहमी है और शायद पुरानी आदत के कारण चलता होगा, कहीं मैं देख रहा था तो प्रधानमंत्री चर्चा के आखिर में जवाब देंगे। मैं नहीं मानता हूं कि ये चर्चा उस रूप में है। मैं भी इन सभी सदस्यों जैसा एक सदस्य हूं और जैसे सभी माननीय सदस्यों ने अपनी भावना प्रकट की, वैसे ही मैं अपने भाव पुष्प अर्पित करने के लिए खड़ा हुआ, क्योंकि इस चर्चा का स्पिरिट वही है। मैं और तू ये स्पिरिट नहीं है इस चर्चा का, ये स्पिरिट चर्चा का हम है, पूरा सदन है, देश के सब जन प्रतिनिधि है। और इसलिए और आखिरकार इस चर्चा का मूल उद्देश्य भी वही था। ये बात सही है, 26 जनवरी हमारा गणतंत्र दिवस मनाते हैं, लेकिन इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है 26 नवंबर, इसको भी उजागर करना उतना ही आवश्यक है। और 26 नवंबर को उजागर करके 26 जनवरी को
नीचा दिखाने का प्रयास नहीं है। 26 जनवरी की जो ताकत है वो 26 नवंबर में निहित है, ये उजागर करने की आवश्यकता है। मैं जानता नहीं हूं आज स्कूलों के सिलेबस के विषय में डिटेल में, हर राज्य के अपने अपने सिलेबस होते हैं, लेकिन हम लोग जब छोटे थे तो नागरिक शास्त्र पढ़ाया जाता था और उसमें थोड़ी सा परिचय आता था हमारे संविधान का, लेकिन बाद में जाकर के वो करीब करीब खो जाता था। और या तो कोई वकालत के व्यवसाय में जाए तो वो, या तो कोई राजनीति में आए तो वो, उन तक ही हमारा संविधान की सारी गतिविधि सीमित हो गई। भारत जैसा देश, विविधताओं से भरा हुआ देश, हम सबको बांधने की ताकत संविधान में है, हम सबको बढ़ाने की ताकत संविधान में है, और इसलिए समय की मांग है कि हम संविधान की सेंटिटी, संविधान की शक्ति और संविधान में निहित बातों से जन जन को परिचित कराने का एक निरंतर प्रयास करें। और इसको हमने एक पूरा रिलीजियस भाव से, एक समर्पित भाव से इस प्रक्रिया को करना चाहिए। 26 नवंबर संविधान दिवस के माध्यम से सरकार की सोच है, और इसमें धीरे धीरे सुधार भी होगा, इवॉल्व होगा, क्योंकि ये तो प्रारंभिक विषय है, कोई चीज अल्टीमेट नहीं होती है, उसमें निरंतर विकास होता रहता है। हम इस व्यवस्था को प्रतिवर्ष कैसे आगे बढ़ाएं, हमारा ये नहीं कहना है कि ये तो इस बार एक विशेष पर्व था, बाबा साहब अम्बेडकर का 125 वर्ष जब देश मना रहा है तो उसके कारण संसद के साथ जोड़ करके इसका कार्यक्रम की रचना हुई, लेकिन भविष्य में इसको लोकसभा तक सीमित रखना नहीं है, इसको जनसभा तक ले जाना है। व्यापक रूप से सेमिनार हो, डिबेट हो, कॉम्पिटिशन्स हो, हर पीढ़ी के लोग संविधान के संबंध में सोचे, समझे, चर्चा करें, एक निरंतर मंथन चलता रहना चाहिए। और इसलिए एक छोटा सा प्रयास उसका आरंभ हो रहा है, और सदन में जिस प्रकार से सबने सकारात्मक भाव व्यक्त किए हैं उससे लगता है कि इसका महत्व है और आगे चल करके इसको बढ़ाना चाहिए, और हम जरूर इसको आगे कोशिश करेंगे। जैसे मेरे मन में विचार आता है कि क्यों ना हम पूरे देश में लगातार भारत के संविधान के संबंध में ऑनलाइन कॉम्पिटिशन करें, क्वेश्चंस हो, ऐसे कॉम्पिटिशन हो, ताकि पूरे देश को एक आदत बने, स्कूल कॉलेज हमारी जुड़ती रहे, स्कूलों के अंदर इसकी व्यवस्था हो, एक व्यापक रूप से हमारे संविधान की लगातार चर्चा होती रहे, ऐसे कई कार्यक्रमों की रचना आगे चलकर के सोची जा सकती है। एक बात मैंने लाल किले पर से कही थी, एक बार इस सदन में भी कही थी, लेकिन शायद कुछ चीजों को समझ करके भूलने का भी स्वभाव होता है, और कुछ चीजें ऐसे ही भूल दी जाती हैं। मुझे याद नहीं इसके पूर्व किसी प्रधानमंत्री ने लाल किले पर से इस प्रकार से बात कही हो, मुझे याद नहीं है, कहा हो तो मैं उसको नमन करूंगा, लेकिन मैंने ये कहा था कि देश, इस देश में जितनी सरकारें बनी हैं सब सरकारों ने, जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं सभी प्रधानमंत्रियों के योगदान से ये देश आगे बढ़ा है, ये मैंने लाल किले पर से कहा था, मैंने सदन में भी इस बात को कहा था, और मैं आज दोबारा कहता हूं, ये देश कईयों की तपस्या से आगे बढ़ा है, सब सरकारों के योगदान से आगे बढ़ा है। हां, शिकायत ये होती है कि अपेक्षा से कहीं कम हुआ तो शिकायत होती है, और वो लोकतंत्र में शिकायत का हक सबका होता है,
लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि पुरानी सरकारों ने कुछ नहीं किया, ये कोई नहीं कह सकता, कह भी नहीं सकते। और इसलिए ये सभी, और ये मैं लाल किले पर से बोला हूं, मैं आज नहीं बोल रहा हूं क्योंकि ये मेरा कन्विक्शन है। और ये देश हम ये भी ना भूलें कि राजा महाराजाओं ने, सत्ताधीशों ने देश नहीं बनाया है, ये देश कोटि कोटि जनों ने बनाया है, जन जन ने बनाया है, श्रमिकों ने बनाया है, किसानों ने बनाया है, गरीबों ने अपने पसीने से बनाया है, शिक्षकों ने बनाया है, आचार्यों ने बनाया है, इस देश के कोट्यावधि लोगों ने सदियों तक लगातार अपनी अपनी भूमिका निभाते निभाते देश बना है। और इसलिए हम सबका दायित्व होता है उन सब के प्रति अपना ऋण स्वीकार करना, उनको नमन करना। संविधान के अंदर भी सबकी भूमिका रही है, और उस समय जिनके नेतृत्व में देश चलता था उनकी विशेष भूमिका रही है। और इसलिए इतना उत्तम संविधान जो हमें मिला है, इसकी हम जितनी सराहना करें उतनी कम है, हम जितना गौरव करें उतना कम है। और अगर संविधान को सरल भाषा में अगर मुझे कहना है तो हमारा संविधान डिग्निटी फॉर इंडियन एंड यूनिटी फॉर इंडिया, इस दो मूल मंत्र को साकार करता है, जन सामान्य की डिग्निटी और देश की एकता अखंडितता। बाबा साहब आंबेडकर की भूमिका को हम कभी भी नकार नहीं सकते। इसका मतलब ये नहीं कि बाबा साहब आंबेडकर की बात करते हैं तो औरों के लिए कोई काम नहीं होता है, लेकिन एक का नाम देंगे तो दूसरे का रह जाता, दूसरे का कैसे तीसरे का रहे, हर एक को लगेगा भाई हमारा भी तो योगदान था। और कुछ लोगों ने तो जीवन में इतनी ऊंचाइयां पाई है कि कोई उनका नाम दे या ना दे, उनके नाम को कभी कमी नहीं हो सकती, कोई उनको मिटा नहीं सकता है। हमें इतना विश्वास होना चाहिए, और इसलिए ये विश्वास को पुनः प्रस्थापित करने की आवश्यकता है, क्योंकि इस देश अनेक महापुरुषों के कारण बना है और उसका अपना महत्व है, हमने स्वीकार करना होगा। जब 2009 में संविधान के 60 साल हुए थे, मैं आज ये संविधान का कार्यक्रम की कल्पना लाया हूं, ये पहली बार नहीं है। मैं एक राज्य में मुख्यमंत्री था और 2009 में जब संविधान के 60 साल हुए तो हमने राज्य सरकार की तरफ से हाथी के ऊपर बैठने की पूरी व्यवस्था बना करके उसमें संविधान को सुशोभित करके रखा था, और उसका यात्रा निकाली थी और मुख्यमंत्री स्वयं हाथी के आगे आगे पैदल चलता था संविधान के महत्व को लोगों को प्रशिक्षित करने। संविधान के 60 साल को हमने उस प्रकार से गुजरात की धरती पर मनाया था क्योंकि मैं उस समय मुख्यमंत्री था, और इसलिए संविधान के मूल्य को हम स्वीकार करते हैं। हमारा संविधान, कभी हम आज सोचे इसी सदन को, हम इतने बड़े लोग हैं, जनप्रतिनिधि बनकर के आए हैं, अगर हमें एक काम दिया जाए कि जो मूल संविधान की प्रत है उसकी धाराएं नहीं है, उसमें जो ड्राइंग है, पेंटिंग्स है, उसको सिलेक्ट करने का सिर्फ काम दिया जाए, आज की हमारी चुनावी दलभक्ति, ये चुनावी दलभक्ति इतनी तीव्र हो चुकी है, मैं नहीं मानता हूं कि संविधान छोड़िए उसके अंदर जो चित्र है उसको भी सहमति से हम स्वीकार कर पाएंगे। हर चित्र के खिलाफ ऑब्जेक्शन आएगा, चित्र के कलर के खिलाफ ऑब्जेक्शन आएगा। ये इस मनस्थिति में हम पहुंचे हैं तब हमें अंदाज आता है उन महापुरुषों ने कितना बड़ा काम किया होगा, ये संविधान 3 साल के भीतर भीतर बना दिया। और
बहुतेक देशों का संविधान बनाना शायद उतना मुश्किल नहीं होगा। भारत जैसे देश का संविधान बनाना बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है। जिस देश में विश्व के सभी जो जीवित 12 धर्म हैं, वो 12 धर्म यहां श्रद्धापूर्वक मनाए जाते हो, जिस देश में अलग अलग मूलों से निकली हुई 122 भाषाएं हो, जिस देश में 1600 से ज्यादा बोलियां हो, हर एक की अलग प्रायोरिटी हो, यहां ईश्वर में विश्वास करने वाले भी हो और ईश्वर को नकारने वाले भी लोग हो, यहां प्रकृति को भी पूजा करने वाले हो और पत्थर में परमात्मा के देखने वाले भी लोग हो, ऐसी विविधताओं से भरा, वहां के लोगों के एस्पिरेशंस क्या होंगे, उनकी आकांक्षाएं क्या होगी, उसको एक बैठ करके सोच करके बनाना। आज भी हम एकाध कानून बनाते हैं तो दूसरे ही सत्र में उसी कानून में एक शब्द रह गया, ठीक करने के लिए वापस लाना पड़ता है। हम ही सदन का हमारा अनुभव है, हम भी एक परफेक्ट कानून नहीं बना पा रहे, ये हकीकत है। उसमें हमारी कमियां रहती हैं और दूसरे सत्र में आना पड़ता है और कहना पड़ता है एक शब्द गलती हो गई थी, ठीक करना पड़ेगा। संविधान निर्माताओं ने क्या क्या तपस्या की होगी, वो कौन सी उनकी मन की अवस्था होगी कि जो चीजें निकल के आई वो आज भी हमारे लिए मार्गदर्शक है। और इसलिए ये गौरवगान हमारी आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना, उनको इससे परिचित करवाना, इन चीजों को उनको जानने के लिए कहना, ये हमारे देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए आवश्यक है। सदन के अंदर ही संविधान समित हो जाए या सरकार को चलाने का एक डॉक्यूमेंट बन जाए, तो मैं समझता हूं लोकतंत्र की जड़ों को जो सिंचित करने का हमारा प्रयास है उसमें कमी रहेगी। और इसलिए भारत के लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए संविधान की भावना और संविधान के सामर्थ्य को जन जन तक परिचित करवाना यह हमारा दायित्व बनता है। और मैं मानता हूं जिन जिन महापुरुषों ने योगदान किया है उन सबका उल्लेख करते हुए हमने इस बात को करना होगा। जब हमारा संविधान निर्माण हुआ तब संविधान सभा के प्रोविजनल चेयरमैन श्रीमान सच्चिदानंद सिन्हा जी ने एक बात कही थी, उसका मैं उल्लेख करना चाहता हूं। अपने उद्घाटन भाषण में उन्होंने कहा था और उन्होंने कोट किया था अमेरिकी संविधान के बारे में जोसेफ स्टोरी के शब्दों का उल्लेख किया था। उन्होंने कहा था कि जोसेफ स्टोरी ने कहा था, उनका कोट है, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन रियर्ड फॉर इमोर्टैलिटी, इफ द वर्क ऑफ मैन मे जस्टिफाई एस्पायर टू सच ए टाइटल। संविधान अमर रहने के लिए बनाया गया है, मनुष्य के द्वारा कभी कोई चीज अमर हो नहीं सकती लेकिन संविधान अमर हो सकता है। ये बात है, मनुष्य कभी ये नहीं कर सकता है लेकिन किया था। बाबा साहब आंबेडकर की विशेषता की ओर हम नजर करें, दीर्घदृष्टा और महापुरुष कैसे होते हैं इसका उदाहरण है कि अगर किसी को इस सरकार पर प्रहार करना है तो भी कोटेशन बाबा साहब का काम आता है, किसी को अपने बचाव के लिए उपयोग करना है तो भी कोटेशन बाबा साहब का काम आता है, किसी को अपनी न्यूट्रल बात बतानी है तो भी कोटेशन बाबा साहब का काम आता है। इसका मतलब उस महापुरुष में कितनी दीर्घ दृष्टि थी, कितना विजन था, कितने व्यापक फलक पर उन्होंने अपने विचारों को व्यक्त किया था कि जो आज भी विरोध करने के लिए भी वो मार्गदर्शक है, शासन चलाने वाले के लिए भी मार्गदर्शक है, न्यूट्रल मुख रक्षक बैठे हुए लोगों के लिए तोड़ने के लिए भी मार्गदर्शक है। ये अपने आप में एक बड़ा अजूबा है, वरना विचार तो कई होते हैं, हर विचार एक ही खेमे के काम आते हैं, सब खेमों के काम नहीं आते, एक ही कालखंड के लिए काम आते हैं, सब कालखंड के लिए काम नहीं आते हैं। बाबा साहब की विशेषता रही है कि उनके विचार हर कालखंड के लिए, हर पीढ़ी के लिए, हर तबके के लिए उपकारक हो रहे हैं। मतलब उन विचारों में एक ताकत थी, एक तपस्या का अर्थ था जो राष्ट्र को समर्पित था
और 100 साल के बाद का भी देश कैसा हो सकता है ये देखने का सामर्थ्य था, तब जाकर के इस प्रकार की बात निकल पाती है। और इसलिए सहज रूप से इस महापुरुष को नमन करने का मन होना बहुत स्वाभाविक है। बाबा साहब को जब मैं सोचता हूं, इस संविधान के संबंध में कभी कभी हम लोगों को लगता है कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें धाराएं हैं, जिन धाराओं से हमें क्या करना क्या नहीं करना उसका रास्ता खोजता है, सरकार कैसे चलानी, कैसे नियम रहे, संसद कैसे चलानी, क्या करना इसका है। लेकिन ग्रेनविले ऑस्टीन, उसने भारत के संविधान का वर्णन करते हुए कहा, और बड़ा मैं समझता हूं इंटरेस्टिंग है, उन्होंने कहा यह एक सामाजिक दस्तावेज है, वरना तो संविधान यानी एक कानूनी दस्तावेज हो सकता है। अगर संविधान बनाने में बाबा साहब आंबेडकर न होते, मुझे क्षमा करें मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, तो शायद हमारा संविधान देश चलाने के लिए, शासन चलाने के लिए उत्तम हो सकता था, लेकिन वो संविधान सामाजिक दस्तावेज बनने से था चुक जाता। ये सामाजिक दस्तावेज इसलिए बना है कि बाबा साहब आंबेडकर की का दर्द, उनकी पीड़ा, उन्होंने जो झेला था, उस यातनाओं का अर्क उसमें शब्द बनकर के शहर निकल रहा था, और तब जाकर के संविधान का निर्माण हुआ था, और तब जाकर के एक विदेशी व्यक्ति ने कहा था कि ये सामाजिक दस्तावेज है, और इसलिए ये वैधानिक विस्तार न मानते हुए सामाजिक दस्तावेज कहना, कभी कभी मुझे लगता है हम भी जानते हैं, हम सब मनुष्य हैं, कमियां हम सब में है, और एकाध गलत चीज हो जाए तो लंबे अरसे तक दिमाग में से जाती नहीं, किसी ने एक शब्द बोल दिया हो तो छुपता रहता है, सब सामने मिलता है तो वो नहीं दिखता है, वो शब्द याद आता है, ये हम लोगों का स्वभाव है। आप कल्पना कर सकते हैं जी, एक दलित मां का बेटा जन्म से जीवन तक सिर्फ यातनाएं झेली, अपमानित होता रहा, उपेक्षित होता रहा, डगर डगर उनको सहना पड़ा, उसी व्यक्ति के हाथ में जब देश के भविष्य का दस्तावेज बनाने का अवसर आया, तो यह पूरी संभावना होती वो हम जैसा अगर मनुष्य होता तो कि वो कटुता, वो जहर कहीं न कहीं प्रकट होता, बदले की कहीं आग निकल आती, कहीं भाव निकल आता, लेकिन ये बाबा साहब आंबेडकर की ऊंचाई थी कि जीवन भर झेला लेकिन संविधान में कहीं पर वो बदले का भाव नहीं। ये उस महानता, उस व्यक्तित्व की ऊंचाई है जिसके कारण ये संभव होता है, वरना हम सब जानते हैं, हम मनुष्य हैं, हमको मालूम है एक शब्द भी ऐसा चुप जाता है, निकलता नहीं है। जीवन में कितनी ऊंचाई होगी, भीतर की सोच कितनी मजबूत होगी, कि उस महापुरुष ने उन सारे जहर को पी लिया, और हमारे लिए अमृत छोड़ करके गए, और इसलिए उस महापुरुष के लिए मुझे संस्कृत का एक पद याद आता है, स्वभावम न जहातेव साधुरा आपत गतो अपि सन, कर्पूरः पावक स्पर्शः
सौरभम लभते तराम।